पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, कहा जाता है कि हमेशा टारगेट सिंपल और चैलेंजेबल होने चाहिए और थॉट्स हमेशा प्योर और पॉजिटिव। तो गुरुदेव, हमें अपने टारगेट को चैलेंजेबल बनाने के लिए क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए चैलेंजेबल जैसे शब्दों को महत्व देना चाहिए? बहुत अच्छा वाक्य है, टारगेट हमेशा चैलेंजेबल होना चाहिए और थॉट्स प्योर और पॉजिटिव होना चाहिए। आपने पूछा है क्या मोक्ष मार्ग में हमें ऐसा चैलेंजेबल होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ मोक्ष मार्ग ही अपने आप में चैलेंज, तो साधारण बात, जो सामने उसको दांव पर लगा दो, सब छोड़ना पड़ता है। जो सामने उसे दांव पर लगाने के बाद जो मिलना उसका कुछ पता ही नहीं, फिर भी निकल गए, इससे बड़ा चैलेंज और कौन सा होगा बोलो। मोक्ष मार्ग से बड़ा चैलेंज तो कोई है ही नहीं। और दुनिया में जितने भी चैलेंजेज हैं उसमें फिर भी कुछ चीजें सामने दिखती है, खुद को दिखता है या फिर दिखता है कि किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसने उसको अचीवमेंट में परिवर्तित किया, सामने दिखता है। हम मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, मुक्ति मिलेगी। आज तक किसी को मुक्ति मिलते देखे हो? आज के इस युग में तो किसी को मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं है, फिर भी एक विश्वास है कि मुक्ति मिलेगी तो इसी से मिलेगी। मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ, मुक्ति तो मिलेगी। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज पंचम काल में मोक्ष मिलता है क्या? हमने कहा नहीं मिलता। तो बोले महाराज मोक्ष नहीं मिलता है तो आप मुनि क्यों बने? हमने कहा मोक्ष मानने के लिए मुनि बने ही नहीं, हम मोक्ष के लिए मुनि बने ही नहीं। तो महाराज मुनि काय के लिए बने? हमने कहा मोक्ष के लिए नहीं बने, मोक्ष मार्ग के लिए बने हैं। और हमें पता है जो मोक्ष मार्ग पर चलेगा वही मोक्ष तक पहुंचेगा। आज मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ? ओम, आज मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ, मोक्ष मार्ग तो है, हम मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। और वो विश्वास तो ध्यान रखना, चुनौतियां कदम कदम पर आती है, लेकिन जिसका विश्वास प्रगाढ़ होता है वही चुनौतियों को उपलब्धियों में परिवर्तित करता है। तो अपने अंदर का विश्वास जागृत रखिए, आत्मविश्वास जीवन की उपलब्धियों का सबसे सबल आधार है। चाहे कैसी भी बात हो, चैलेंज है ठीक है, लेकिन आत्मविश्वास हो कि हम उसको पलट सकते हैं। तो अपने आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाइए जिससे अपनी चुनौतियों को उपलब्धियों में बदले। हाँ, जहाँ तक अपने ठाट्स को प्योर और पॉजिटिव बनाने की बात है, ये बिल्कुल सही है। शुद्ध अंतस्करण और सकारात्मक दृष्टिकोण ही सही मंजिल तक पहुँचा पाते हैं। इसलिए अपने टारगेट्स को हम कितना भी बड़ा बनाएं, ये हमेशा ध्यान रखें कि हम उसे अचीव करने का रास्ता हल्का ना अपनाएं, सही अपनाएं। नमोस्तु गुरुदेव।